कोरोना का असर। दीपावली के अवसर पर भी सूने पड़े हैं बाजार। जहां दिवाली के अवसर पर बाजारों में तिल डालने की जगह नहीं मिलती थी, वहीं आज दीपावली को मात्र कुछ ही दिन बचे हैं, परंतु बाजारों से रौनक गायब है और बाजार सूने पड़े हैं। इस संदर्भ में जब दुकानदारों से बात की गई तो उनका कहना है कि कोरोना के कारण बहुत कम लोग बाहर निकल रहे हैं, जिसके कारण दुकानदारी पर इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। जबकि कुछ दुकानदारों का कहना है कि हर वर्ष की भांत इस वर्ष काफी हल्की दुकानदारी है। HMTV लाइव के लिए सहयोगी चेतन शर्मा के साथ नीरज पांडे की रिपोर्ट। आप ये टिकट ये आइटम का बहिष्कार कर रहे हैं? अपनी हमारा चीज है, साल भर का व्यवसाय बिल्कुल। ये नंदकिशोर जी है, ये कह रहे हैं कि हम स्वदेशी अपनाएं। मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान पर आइए, हम जानते हैं कि कोरोना काल में इसकी दुकान पर क्या पड़ा है। आपका क्या नाम है सर? कोरोना काल में क्या दुकानदारी पर कोई फर्क पड़ा है या काम धंधा तो है नहीं? लोग कहते हैं कि कोरोना काल में जब बसों में सीमित सवारी को बिठाने लग गए, मेट्रो बंद हो गए, तो लोग अपने वाहन से ज्यादा चलने लगे, बाइकों का इस्तेमाल ज्यादा हुआ, बाइकों की बिक्री बढ़ गई, तो ऐसे में तो आपका काम बढ़ना चाहिए, तो फिर आप कह रहे हैं कि हाँ काम कम हुआ, कैसे कम हुआ? ये बिल्कुल इनका कहना है कि जब लोगों के पास रोजगार नहीं रहेगा तो वो कहाँ से जाएंगे, और जब रोजगार नहीं रहा तो लोग अपने अपने गांव चले गए, घर चले गए, इसलिए पब्लिक कम हो गई है। अभी दिवाली पर हर दुकानों पर बैद्यनाथ ने भी अपने अपने एक कैंडिडेट भेज रखे हैं जो अपने सामानों को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे ही एक मैडम है, मैडम क्या नाम है आपका? क्या नाम बताया? रितु। रितु मैडम है। रितु मैडम, आप इस दुकान पर अपने किस प्रोडक्ट को का प्रमोशन कर रही हैं? चवनप्राश है, बैद्यनाथ का, और हनी भी है, और क्या क्या है? जूस है, ऑयल है। कौन सा ऑयल है? ये हिमसागर है, महाप्रयागराज। अच्छा, इसका क्या फायदा है? महाप्रयागराज का ये फायदा है कि हमारे बालों की लेंथ अच्छी रहता है, ग्रोथ बढ़ाता है और डेंटर वगैरह मारता है। और अच्छा, और ये चवनप्राश में क्या खासियत है? सर, सोना चांदी चवनप्राश की खासियत है, ड्राई फ्रूट से बनाया है और इसमें सोना चांदी में सन ब्लॉक यूज की जाती है, वो इसमें ऐड की गई, और सर्दियों में सबसे ज्यादा सोना चांदी चवनप्राश लोग खाते हैं।